सरकार देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ इंसान को निरोगी रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए सफदरजंग अस्पताल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जा रहा है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट और अब से थोड़ी देर में किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए आप टोटल हेल्थ कार्यक्रम में पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश में किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ जन जागरूकता अभियान चला रही है। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में विश्व किडनी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि इस दिशा में भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। जागरूकता है तो सफलता है। हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं वो हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करते हैं। जो पेरिफेरी में होते हैं इंस्टीट्यूट, उनका हैंड होल्ड करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। उनको लीडरशिप प्रदान करना, उनको गाइडेंस देना, उनके लिए प्रोटोकॉल बनाना, उनको लिए हमें SOPs बनाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको एक क्वालिटी ऑफ लेवल तक लेके आना, तो ये संभव होता है हब एंड स्पोक में। कार्यक्रम में बोलते हुए सफदरजंग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SV आर्य व नोटो निदेशक डॉक्टर रजनीश सहाय ने किडनी बचाव के लिए जागरूकता पर बल दिया। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसके लिए सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आगे बिल्कुल तत्पर है और आगे भी करता रहेगा। इसमें हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें लोगों को बुला करके किडनी से जुड़े तकलीफों के बारे में उनको अवगत कराएंगे। की प्रिवेंशन, डिजीज़ डोनेशन और लेजिस्लेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि हमें ध्यान देना होगा। प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकि उस स्टेज तक पहुँचे ही ना हम। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अनूप कुमार व नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु वर्मा ने सफदरजंग अस्पताल में किडनी रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रम व प्रत्यारोपण शुरू करने की जानकारी दी। हम कैडेविक ट्रांसप्लांट द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो लोग जिनको किडनी कहीं नहीं मिलती है उनके लिए आशा की किरण बन जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए जो DGHS और मिनिस्ट्री की तरफ से एक पहल हुआ है उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यूरोलॉजी का और ट्रांसप्लांट का बन जाएगा। छोटे छोटे प्रयास हैं, हम अपनी बॉडी में लाइफ स्टाइल में उसको ढाल लें, जैसे कि एक्सरसाइज करें, खाने में जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गौरतलब है कि किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व भर में किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। भारत सरकार देश के नागरिकों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम न केवल देश और दुनिया के नागरिकों को किडनी के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं बल्कि किडनी रोग और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए एक वैश्विक स्तर का मंच भी प्रदान करते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मोपी यादव, DD News दिल्ली।